दिखाने के बारे में. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड्स ऑफ टू युवराज टू कम अप विद अ आइडिया लाइक दैट. जब आप ऐसे ऐसे किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाने का सोचते हो तो वो फर्स्ट आपका डेडिकेशन बताता है कि आप कितने कनेक्टेड हो ऐसे इमोशन से. तो ऐसी चीज़ के बारे में पहले सोचना, फिर उसको सोच के बिल्कुल अपनी सोच की तरह उस पर वीडियो बना लेना, और फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर, विच इज़ इट्सेल्फ इज़ अ ग्रेट थिंग. सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट. और बाकी वीडियो के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो उसमें दिखाया गया है वो हो रहा है इंडिया में, कई जगह होता है, एंड ऑब्वियसली अब्रॉड भी होता है, वेयर पीपल आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ्स फॉर यू नो अस सो दैट वी कैन लिव हैप्पीली. सो या सो इट मेड अ लॉट ऑफ यू नो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल वीडियोज एंड यू नो दिस वीडियो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ. इस देश में जितने भी जवान हैं सबको यही रहता है कि वो आर्मी में जाएं, और अगर इंसान को मरना सबको ही है और वो देश के लिए मरे तो और अच्छा है. मुझे वो अगर रियल लाइफ में ही करने को मिला तो बहुत खुश हूँ उसमें, और बहुत लकी मानता हूँ अपने. मेरे लिए काफ़ी टफ था ये, बिकॉज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरे 2-3 फिल्में और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, और अभी एक रिसेंटली एक मैंने म्यूज़िक वीडियो लास्ट मंथ रिलीज़ किया था, और फिर ये मेहरू का प्लान आया. तो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज क्योंकि पहले आप उसको लिख रहे हो, फिर उसका स्क्रीन प्ले कर रहे हो कंप्लीट, देन योर कास्ट, देन आई गॉट विभूति शर्मा, देन सुहेल खान. सो इट वॉज नॉट ईजी जॉब एट द सेम टाइम टू बी एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. सो But I'm happy somewhere I did it. Now I'm looking forward ki like audience ko pasand aaye ye music single Mehru. Lekin Mehru ke bare mein main thoda aur baat karunga. Ye ek actually real incident abhi jo haal hi mein hua tha Pulwama mein. So definitely usme bhi kafi hamare jawan jo shaheed hue the, to jinme unki wife, kyunki wo bhi ek dusre se pyar karte hain aur aaj wo phir bhi us ghar mein hain, to dil chahiye ki ek जवान की पहले पत्नी होना, फिर उनकी शहीद की विधवा बन के उनके घर में रहना, उनके माता पिता की देखभाल करना, तो ये बहुत बड़ी बात है जो जिस पे कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की कि मैं उसको पूरा कर सकूं, और शायद हो गई. वो ऑडियंस के ऊपर है, वो बता पाएंगे. बाकी मेरे एक्टर्स ने बहुत प्ले किया, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, दे प्लेड रियली वेल. मैंने जो फर्स्ट टाइम जब युवराज ने बताया स्टोरी के बारे में, तो मैंने फ़ोन पे सुना था और मैं इमोशनल हो गई, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट यू नो आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस. तो मैंने एक सेकेंड नहीं लगाया हाँ बोलने में कि हाँ बिल्कुल. And as an actor also, I thought ki you know it will give me opportunity to show my talent and you know to live that moment which I cannot live in real life, because I am very normal. I am not like you know like super women or super girls like this who are you losing their loved ones and still like choosing to live their life alone. So yeah, I was really happy. मैंने इस युवराज जी की प्रोडक्शन में लास्ट सॉन्ग सजदा किया था, तो युवराज जी ने बोला था मैं एक और सॉन्ग ये कर रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे, तो मैं खुश हो गया. यस ऑफ कोर्स मुझे करना है ये, तो थोड़ा टफ था, लेकिन युवराज जी ने जो डायरेक्शन में जो साथ दिया है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत टफ इसमें परफॉर्म था और युवराज जी ने पूरा साथ दिया उसमें, तो सारा बस अच्छा. जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत टफ था, क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा स्पेशली किरदार के लिए? आपका किरदार एक आर्मी मैन का है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ी और सर ने क्या वर्कशॉप दी थी इसका? वर्कशॉप तो इसकी 4-5 दिन थी, और प्रिपरेशन पहले तो वहाँ का जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी थी, तो उस गर्मी से ही निकलना पहले बहुत बड़ा टास्क था. फिर एक आर्मी का जो एक ट्रू इवेंट है उसको एक अच्छे से करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन युवराज जी ने बहुत अच्छे से कराया वो. व्हाट प्रिपरेशन यू गॉन थ्रू?
I'm frankly speaking, I did not have to prepare myself. I just had to live that moment, that emotion, and feel what a girl like Mehru will feel, you know, losing their loved ones, so that other people with their loved ones can live their life happily. So it automatically, naturally came, and thanks to Yuvraj, he told me many different stories, you know, which we as a person ignore about our army people and you know, and their sacrifice. So all those stories also really helped me to feel the emotion which you are seeing in this video. I yeah. still remember when we were shooting for it, when the last scene of Vibhuti, when she came in ghagra jo nikah ke din unhone pehna hua tha. मैं वो सीन को डायरेक्ट भी कर रहा था, लेकिन इनको देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. और व्हेन शी सेड जय हिंद, आई मीन आई रियली फेल्ट के मेरे अंदर कुछ फट रहा है. वो इतने अच्छे से इन्होंने वो प्ले किया था, और वो जो इनका चल के आना कॉफिन की तरफ देखते रहना, सो लाइक जो चाहता था करना वो करके दिया था. सो And I was actually not Vibhuti that time when I was playing that particular scene where I say Jai Hind, because I was actually Mehru in my head and feeling that emotion which a real girl like Mehru will feel. And yes, I had broken actually into pieces when I was shooting for that, and because I was feeling the emotions. It was वो very बहुत actually बहुत emotional moment था. Even the audience, जो लोग वहाँ पे shooting देखने के लिए खड़े हुए थे, there were like lot of women, they were crying. I mean, वो लोग सिर्फ shooting देखने आए थे, हमने उनको सिर्फ request किया कि आप लोग आपस में बात मत कीजिएगा, बस इतना ही बोला था. लेकिन लास्ट में जब शॉट के बाद देखा था तो वो लोग भी, उनकी आंखों में आंसू थे. तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. तो आपको मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कि आपने मतलब जब आपने ये सोचा कि ये गाना बनाना है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था आपने? क्योंकि एक्टर्स ने तो अपने किरदार को लेकर प्रिपरेशन की होगी, लेकिन आपको तो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना था. तो आपने कुछ इंस्पिरेशन ली थी या फिर कोई आर्मी मैन के फैमिली से मिले थे आप? मैं मिला ऐसे किसी से नहीं, लेकिन स्कूल के कॉलेज के ज़माने से ही हमेशा आई एम वेरी फैसिनेट. लाइक एक जो अपनी इंडियन आर्मी है, जो इतने डेडिकेशन के साथ बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आज हम सेफ फील करते हैं, हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, उन लोगों को चांस भी नहीं मिलता फेस्टिवल मनाने का. आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, तो उनके भी फैमिली हैं, परिवार हैं, सब कुछ है. तो शुरू से एक था कि कुछ कुछ रियल, जो रियल हीरो है हमारे, जो रियल हीरोज़ हैं हमारे इंडिया के, उनके ऊपर कुछ करना है. लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला. आई मेड लास्ट सॉन्ग सजदा, जो एक डिफरेंट जॉनरा था, लेकिन जब सोच लिया कि नहीं ये करना है, देन आई डिसाइडेड नहीं मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. एंड फिर रिसेंटली जो भी पुलवामा कांड हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गया था कि नहीं अब मुझे कुछ करना है. सो देन आई स्टार्टेड, देन आई मेट माई कंपोजर्स, माई सिंगर संगीत एंड सिद्धार्थ, एंड वी डिड वन मीटिंग एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो देन फ्रॉम देयर वी थॉट नाउ वी हैव टू डू इट नाउ. और मोदी जी जिस तरह के मतलब फैसिलिटीज हमारी इंडियन आर्मी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए जो पहले मतलब उनके लिए सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं दी जा रही है. या अभी पहले उनको फ्लाइट्स नहीं मिलती थी, ट्रेन मिलती थी. तो आई हर्ड, लाइक आई रेड अबाउट इट, लाइक सो व्हिच इज वेरी गुड. लाइक आवर इंडियन गवर्नमेंट आल्सो थिंकिंग फॉर देम, सो इट्स बिकॉज़ ऑफ देम वी आर हियर. सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू दैट फैमिली? और आई वुड लव टू से ऑल द फैमिलीज, लाइक मैं पूरे उनके लिए लेट के भी करूं तो शायद कम है, तो मैं कुछ नहीं उनके लिए कहने लायक. आई वुड से टू एवरीवन, जस्ट ये वीडियो देखिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. मैं उन फैमिलीज को कहना चाहूँगी कि आप हमारा ये ट्रिब्यूट जो है स्वीकार कीजिए, और हमसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो माफ कीजिए, माफ कीजिएगा प्लीज. और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन, एंड वी फील वेरी लकी दैट वी हैव पीपल टू सेव अस, यू नो, एंड फुल रिस्पेक्ट टू देम. प्राउड टू बी इंडियन. थैंक यू. तो शुरुआत तो एक्चुअली पिछले वाले वीडियो से हुई थी युवराज के साथ. उसने सजदा के बाद पहले से ही कहा, कह के रखा था कि उसको इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ स्पेशल करना है. एंड उस वक्त फिर हमने
एक अलग तरकीब से इस गाने को बनाया है। जनरली गाना पहले बन जाता है, उस पर शूटिंग होती है, यहाँ हमने थोड़ा रिवर्स किया है, पहले उसने शूट किया और फिर हमने गाना उस पर यू नो सजाया है। एंड लिरिक्स के लिए हमने रश्मिन दिगे को यू नो एक ब्रीफ दी थी कि ये है आइडिया उस गाने का। और मेहरू जो वर्ड है वो तो युवराज ने पहले से ही दे रखी थी क्योंकि उसके कैरेक्टर का नाम मेहरू था। एंड आई थिंक वही से सिलसिला गाना बनाने का शुरू हुआ। या एज संगीत ने जैसे कहा कि उसका जो टाइटल था पहले से डिसाइडेड था, और जब यू भी हमें मिले, युवराज हमारे स्टूडियो में आए, तभी उन्होंने स्क्रीन प्ले बताई थी कि इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और उन्हें ऐसे डायरेक्ट करना है वीडियो। इट्स अ लव स्टोरी और एट द सेम टाइम इट हैज़ अ ट्रैजिक एंडिंग एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन पेट्रियाटिक फ्लेवर टू इट। तो बेसिकली जब हम लोग कंपोज कर रहे थे, गाना बना रहे थे, हमने ट्राई किया, हमारा बेस्ट ट्राई किया कि यू नो वी कीप इट एज रोमांटिक एज पॉसिबल बट एट द सेम टाइम उसका एक पेट्रियाटिक अंडरले रखे म्यूजिक में। सो एवरीवन इज रियली लविंग इट, सो आई थिंक वी अचीव व्हाट वी वांटेड टू डू। ज़्यादा कुछ नहीं, इन्होंने इतना खूबसूरत ट्यून ऑलरेडी बना के रखी थी मेरे लिए, और जो उन्होंने कहानी के बारे में बताया था, जिस तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से मेहरू का कैरेक्टर, जिस तरह से इन्होंने ब्रीफ दिया था, उसी बेसिस पे गाना लिखने की कोशिश रही है। और एक कोशिश ये भी रही है कि ये जो पुराने ज़माने के जो गाने थे जो हमको सुन के गुनगुनाने में मज़ा आता है, उस तरह का कुछ गाना हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ना तो कि ये जो आजकल के जो शॉर्ट लिव्ड जो ट्रेंडी गाने चल रहे हैं उसके थोड़ा हट के एक थोड़ा सूफियाना, थोड़ा रोमानी सा एक उस पर गाने में थोड़ा टच लाने की कोशिश थी। और इनकी धुन ने तो मतलब पहले से ही मेरा ऑलरेडी आधा काम ऑलरेडी कर चुका था, इतनी ब्यूटीफुल ट्यून लिखी है। और ऊपर से फिर विभूति और युवराज का जो जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को हैंडल किया है, जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, वो आई थिंक दैट वॉज द मेन ब्रीफ दैट वी वर वर्किंग ऑन एंड आई थिंक दैट्स वाई द सॉन्ग इज टर्न्ड आउट सो वेल। मैं कितना कहूँगा कि प्लीज़ ये गाना देखें, जितने पॉसिबल हो सके जितनी बार देखें, अपने दोस्तों से भी कहें कि ये गाना देखें। और ये जो हमारे सोल्जर्स की जो स्थिति है आज इस देश में, और सोल्जर्स की वाइफ्स की भी, उनकी फैमिलीज की, उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि हम काफ़ी बार नज़रअंदाज करते हैं इस चीज़ को। वो लोग कहीं पे जाके लड़ रहे हैं हमारे लिए और हम ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये इस गाने से मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा उस पर फोकस करें, हमारे मिलिट्री को, हमारे आर्मी को सपोर्ट करें और हमारे सोल्जर्स की फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें, और साथ ही अच्छा म्यूज़िक भी सपोर्ट करें। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी आई थिंक। यस, थैंक यू गाइज, गुड नाइट, थैंक्स।